आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, तो हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो करवाया जाएगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। अब उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज भी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे और उसके जो और जो क्वेश्चंस रह गए हैं हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में, यानी कि न्यूक्लियर बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उस पे जो आपका मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। मॉडरेटर का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि जो भी आपके मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है, उन मॉडरेटर का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो आपके सामने कुछ जवाब होंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। सो आपका पहला जवाब है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में
मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, या मॉडरेटर का रूप, जो मॉडरेटर का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें ये है कि जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और गामा किरणों से बचाव के लिए, ठीक है, तो गामा किरणों से बचाव की बात की जा रही है, तो ये आपका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। उसके बाद सेकंड आएंगे अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए, तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट विखंडन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे अवशोषित करने की बात की जा रही है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए, ठीक है, दिस इज नाउ राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है, यानी कि जो तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन होते हैं उसकी गति धीमी करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर को लगाया जाता है, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मॉडरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए, ठीक है। नाउ सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मॉडरेटर की बात की ही जा रही है, तो हम सबसे पहले मॉडरेटर के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जान लेंगे कि मॉडरेटर क्या होता है। अब हम थोड़ा मॉडरेटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए हम मॉडरेटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडरेटर से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी इस एग्जाम में उठअप किए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। मॉडरेटर हो गया, रिएक्टर हो गया, इन सबों के बारे में पढ़ना जरूरी है। मॉडरेटर, ठीक है। अब ये मॉडरेटर क्या होता है? एक मॉडरेटर जो है वो एक प्रकार का आपका पदार्थ माना जाता है, ठीक है, जिसका जो वेग होता है ये 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि अगर वेग की बात की जाए 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये इसका वेग होता है, ठीक है। लगभग में बात की जाएगी, ठीक है, और ये जो आपका वेग है ये किसका वेग होता है? न्यूट्रॉन का वेग होता है। न्यूट्रॉन का वेग जो होता है वो 13,200 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और ये क्या करता है कि उसकी गति को धीमा कर देता है, उसकी गति को धीमा करके 2200 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसको कितने में कन्वर्ट कर देता है? 2200 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके पहले जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें यही बताया गया है कि मॉडरेटर का जो काम होता है ये न्यूट्रॉन की गति या न्यूट्रॉन के वेग को क्या करता है? कम कर देता है। जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन का जो वेग है वो लगभग 13,200 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन ये मॉडरेटर क्या किया, उसको कम कर दिया, और उसको कम करके कितने पे ला दिया? 2200 मीटर पर सेकंड पे ला दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है और ये कहना साफ है कि जो मॉडरेटर का उपयोग है ये न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब ये होता क्यों है,
जो आपके फ्यूल होते हैं, फ्यूल के न्यूक्लियर विखंडन से बहुत उच्च वेग में न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, जो आपका फ्यूल होता है, फ्यूल आपका क्या होता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम। जाहिर सी बात है, अधिक तौर पे यूरेनियम ही इस्तेमाल में लाया जाता है, तो यूरेनियम की ही हम बात करेंगे। उसके बाद, उसके विखंडन के बाद जो न्यूट्रॉन का वेग होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा का मतलब आप देख पा रहे होंगे 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बहुत ही ज्यादा है। तो समान रूप से विखंडन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो गति होती है, समान विखंडन के प्रोसेस को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, विखंडन में अगर न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मिक्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा मिक्सिंग या फिर एक्स्ट्रा एक प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है और उसे मॉडरेटर को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। इसके लिए हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल और बेरियम, हीलियम, इन सब को आप मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल में, एक बार लिख देता हूं, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, ये सब जो कंपोनेंट है ये एज ए मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी, या फिर हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, भारी जल, बेरियम या हीलियम, और भी कई हल्के जो परमाणु वाले पदार्थ जो होते हैं वो मॉडरेटर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। ये क्या होते हैं, सारे मॉडरेटर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, ये जो विखंडन की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी इसकी दर कंट्रोल की जाती है। भारी जल आपको बताया गया, यानी कि जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, वो सबसे ज्यादा मॉडरेटर के रूप में यूज में लाया जाता है। यानी कि जो भारी जल है वो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है D2O। ठीक है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक, सबसे ज्यादा भारी जल यानी कि D2O मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब अगर मॉडरेटर की बात की जाए तो मॉडरेटर के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि आपसे ये कई सारे जो है ऐसे कंपोनेंट को लिखा जा सकता है और उसमें से ये पूछा जा सकता है, इनमें से जो मॉडरेटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और इनमें से कोई एक ऑप्शन उसमें रहेगा, बाकी और सारे कोई और ऑप्शन रहेंगे और सारे कुछ नाम लिखे होंगे, तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, एक नाम दिया होगा, या फिर अगर कोई नाम आपको नहीं समझ में आता है
तो लास्ट में ऑप्शन दिया होता है, नॉन ऑफ दीज आप उसको लगा सकते हैं, ठीक। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसा कंपोनेंट है जो कि मॉडरेटर के रूप में यूज में नहीं लाया जा सकता। तो जाहिर सी बात है चार ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से तीन ऑप्शन इसी में से होगा, एक ऑप्शन अलग होगा, तो अलग वाला जो ऑप्शन होगा वही सही माना जाए, क्योंकि नहीं जब पूछेगा तो जो अलग वाला ऑप्शन है वही सही होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई मॉडरेटर की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पदार्थ न्यूक्लियर रिएक्टर में मध्यस्थ के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है, मध्यस्थ के रूप में उपयोग की जाती है पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें जोड़ी का मतलब ये है कोई दो कंपोनेंट होंगे,
वही उपयोग में लाए जा रहे होंगे मध्यस्थ के रूप में। ठीक है, सुनाओ। पहला ऑप्शन है भारी जल और जिरकोनियम। भारी जल के बारे में मैंने पहले बता दिया है, भारी जल को मॉडरेटर के रूप में भी यूज में लाया जाता है और अधिक तौर पर यूज में आपके भारी पानी ही यूज में लाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन है जिरकोनियम और बेरिलियम। थर्ड ऑप्शन है कैडमियम और बेरिलियम। और फोर्थ ऑप्शन है, ये डी है आपका, फोर्थ ऑप्शन है बेरिलियम और भारी जल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारी जल की बात की जाएगी जिसमें वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहली बात, यानी कि जो आपके बी और सी है इसमें भारी जल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ए और डी। ए और डी में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारी जल और जिरकोनियम यूज में नहीं लाया जाता है मध्यस्थ के रूप में, ए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब क्या बचा आपके पास, डी ऑप्शन, यानी कि जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इज राइट आंसर, यानी कि डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, जो मध्यस्थ के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, मध्यस्थ के रूप में यूज किए जाने वाला जो जोड़ी पदार्थ है, यानी कि जो दो पदार्थ यूज में लाए जाते हैं, वो बेरिलियम और भारी जल यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो होगा बेरिलियम और भारी जल। ठीक, अब यहां पे जो वर्ड है आपका मध्यस्थ, मध्यस्थ में जो यूज किया जाएगा वो आपका जोड़ी पदार्थ ही यूज किया जाता है, यानी कि दो कंपोनेंट या फिर दो पदार्थ यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को पहले, इसके जस्ट पहले ही बताया हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का कार्य है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का कार्य है, भारी पानी की अगर बात की जाए, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन ही नोट कर देता हूं। इसको मैं बता चुका हूं, आप लोग बिना ऑप्शन के भी इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो इतना इजी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको ऑप्शन में दिख देता हूं। मॉडरेटर की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि भारी जल जो होता है वो मॉडरेटर के रूप में यूज में लाया जाता है, लेकिन मॉडरेटर सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा, ये आपको ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा, ऑप्शन में कुछ अलग दिया रहेगा। ठीक है, शीतल का मतलब कूलेंट के रूप में कार्य करता है, उसके बाद बी ऑप्शन है।
सेम सेंटेंस है उधर के, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ये मॉड्यूलेटर के साथ साथ ये आपके सामने चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल जो होता है वो किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन है यह है कि यह शीतलक के रूप में कार्य करता है। शीतलक का मतलब यह है कि यह कूलेंट के रूप में कार्य करता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि यह एक मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। तो इसके पहले जो मैंने बताया है तो मैंने यही बताया है कि जो आपका भारी जल होता है वो मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे अगर उस तरह की बात की जाए, उस यानी कि जो मैंने बताया है उस तरह से बात की जाए तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है, मैं ये मान रहा हूं आपको बी ऑप्शन लगाएंगे भी सही भी होगा, लेकिन इसमें क्या है कि अगर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो जो भार मैंने तो ये बताया कि भारी जल जो है मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, लेकिन भारी जल जो है वो और कई सारे रूप में कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत, ठीक है। जो कि अगर भारी जल की बात की जाती तब बताया जाता कि भारी जल का क्या क्या कार्य है, लेकिन मैंने मॉडरेटर के बारे में सिर्फ बताया है। तो मॉडरेटर के रूप में जो आपका भारी जल है वो कार्य करता है ये तो मैंने बताया, लेकिन भारी जल की बात मैंने नहीं की। तो जब भारी जल की बात की जाती है तो भारी जल जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और कार्य भी करता है। उसके साथ साथ वो कौन सा कार्य करता है, तो उसके साथ साथ वो शीतलक का भी कार्य करता है, यानी कि कूलेंट का भी कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देखना है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ए और बी दोनों सही रहेगा। अगर आपके पास सी ऑप्शन नहीं मिलता, ये सी ऑप्शन नहीं रहता, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता ए और बी दोनों। यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता ए एंड ए और बी, ये भी एक ऑप्शन रहता ए और बी, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, ये भी ऑप्शन में आपके रहता है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में डायरेक्टली ये दे दिया गया है, ए और बी को मर्ज कर दिया गया है, आपस में कंपाइल कर दिया गया और ये लिख दिया गया है कि यह मॉडरेटर के साथ साथ शीतलक का भी कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो ऐसे सेंटेंस ही आंसर बनेंगे, ए और बी आंसर नहीं बनेगा, दिया ही नहीं रहेगा तो आंसर क्या बनेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ में दे दिया गया है। तो आपका ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट रहेगा, ठीक है।
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपके कंट्रोल रॉड होते हैं ये बने होते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर कंट्रोल रॉड आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे बताएंगे कि जो आपका कंट्रोल रॉड होता है ये किस पदार्थ का या फिर किसका बना होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कंट्रोल रॉड हैं ये क्या होते हैं। सॉरी। अब एक बात और आती है कि अब ये कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि बात की जाए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंट्रोल रॉड का क्या कार्य है। तो जब तक आप कंट्रोल रॉड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप ये कैसे बताएंगे कंट्रोल रॉड जो है क्या है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल रॉड क्या है। मैं ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कंट्रोल रॉड जो है ये क्या होता है। कंट्रोल रॉड एक तरह से आप नाम जान से समझ सकते हैं, कंट्रोल लिखा हुआ है, आगे क्या है, आगे का वर्ड क्या है, ये कंट्रोल, यानी कि ये क्या करेगा, कुछ कंट्रोल ही करने का काम करेगा। अब ये क्या करने का, कंट्रोल क्या कंट्रोल करने का काम करता है हम ये देखते हैं। कंट्रोल रॉड का कार्य रिएक्टर कोर में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि जो आपके रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर कोर, अगर आप रिएक्टर कोर के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो आप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्लासेस हैं आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये जो रिएक्टर कोर है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल लॉड। ठीक है, और ये कंट्रोल मैकेनिकल की तरह ही कार्य करता है। और इसके कार्य को अगर बात करें तो इसके कार्य क्या क्या होते हैं, रिएक्टर को सामान्य ऑपरेटिंग स्तर पर लाकर स्टार्ट करती है। पहला कार्य, रिएक्टर को सामान्य ऑपरेटिंग स्तर पर लाकर कार्य करते हैं। हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो आपका कंट्रोल रॉड है मेनली आप यही जानेंगे कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी वर्क होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल का करने का मतलब ये है कि आपकी जो भी क्रियाएं उसमें हो रही होंगी उसको कंट्रोल करेगा, यानी कि जो दायरा होता है उसके अंदर ही उसको कार्य करवाने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए कंट्रोल रेट जो रॉड होता है वो किससे बना होता है, तो कंट्रोल रॉड जो होता है वो कैडमियम से बना होता है। ठीक है, आपका ए आंसर इसमें सही होगा, करेक्ट होगा, जो आपका कैडमियम है, कैडमियम से ये बना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंट्रोल रॉड की। ठीक है, तो रिएक्टर जो आपके होते हैं यानी कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हैं उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया और काफ़ी हम आशा करते हैं कि आपको उसमें काफ़ी मदद मिली होगी। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है या फिर थ्योरेटिकली नॉलेज की बात की जाए तो आपको अपने थ्योरेटिकली नॉलेज को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिली होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, हम आगे की क्लास में और कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।